नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, जिसके बाद देश के अलग अलग जगहों पर सीए कानून को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के बाद अब केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने घोषणा की है कि वो केरल में सीए को लागू नहीं होने देंगे, जिसके बाद केरल राज्य में सीए पर विरोध तेज हो गया है। आइए जानते हैं सीए लागू होने के बाद केरल क्यों इसके विरोध में उतर गया है। केरल में विजयन सरकार ने सीए के खिलाफ अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 14 मार्च को ऐलान करते हुए कहा है कि वो केरल में सीए को लागू नहीं होने देंगे। इससे पहले जब 11 फरवरी को सरकार ने सीए कानून को लागू कर दिया था, तब विजयन की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए को लागू करके भाजपा का उद्देश्य लोगों को विभाजित करना, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना और बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करना है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐलान किया था कि वे हर हाल में सीए लागू नहीं होने देंगे। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कानून को देश के संविधान के मूल भावना के विपरीत बताया था। ममता ने कहा था कि इस कानून को लागू करके सरकार लोगों को संप्रदाय के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। ममता ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वे जब तक जीवित रहेंगी किसी भी कीमत पर राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगी। वहीं केरल सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के बाद अब केरल सरकार ने भी सीए लागू होने का विरोध किया है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देने वाली है।